राजस्थान में इन दिनों मॉनसून लगातार सक्रिय दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पूरे राजस्थान में बारिश का आंकड़ा सामान्य से 3% कम है। पूर्वी राजस्थान में आंकड़ा सामान्य से 7% कम है और पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो ये आंकड़ा सामान्य से 3% अधिक बारिश में दर्ज किया गया है। प्रदेश के अधिकतर बांधों में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी हिस्से के लिए अलर्ट भी जारी किया है। 29 और 30 अगस्त को जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो वहीं 30 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान के पाली, नागौर और जालौर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वेलमार्क लो प्रेशर एरिया नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ तथा आसपास के लगने वाले मध्य प्रदेश के ऊपर स्थित है। वहीं मानसून ट्रफ लाइन राज्य के उत्तरी भागों से गुजर रही है तथा सक्रिय है। इस सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान में मानसून के आज से ही सक्रिय होने की संभावना है। अगले 4-5 दिन पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 29-30 अगस्त को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी रहेगी तथा जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी या एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश होने की भी संभावना है। पश्चिमी राजस्थान की यदि बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में 29 अगस्त से मानसून के सक्रिय होने तथा राज्य के काफी हिस्सों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। फिलहाल रुकेंगे।